तो पुराने पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है? इसमें मत देखिए, इसमें नहीं देखिए, है? ठीक है, पुराने पेपर सॉल्व करने को, जैसे मैं पहले चैप्टर वाइज करेंगे, पुराने जो वर्षों में बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है ना, चैप्टर वाइज करने और हो जाएगा, वो होंगे 9 से 10 साल के पेपर होंगे वो, ठीक है? जिसको मतलब बाय चांस जैसे यहां भी नहीं आएगा, कुछ दिक्कत होगी तो यूट्यूब पे पड़ जाएगा, है ना, अगर सफल रहा ये प्रोग्राम तो। जैसे पहला क्वेश्चन होगा चैप्टर वाइज करना है, तो पहला चैप्टर हमारे पास कौन सा, ठोस अवस्था है ना, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। तो पहला प्रश्न लिखना इसमें, प्रश्न एक, शॉर्ट की तथा फ्रैंकल दोष में अंतर लिखिए। कल टेस्ट लिया था उसमें पूछा था मैंने, है ना, शॉर्ट की तथा फ्रैंकल दोष में अंतर लिखिए। तो क्वेश्चन देखो कब कब पूछा गया है, 2009, 2013 और 2022 में, ठीक है? क्या बोला, शॉर्टकी तथा फ्रैंकल दोष में अंतर लिए, अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है ना, कब कब पूछा गया, 2009, 2013, 2022, पिछले इसी बार, ठीक है? तो जब भी तुम्हें क्या है अंतर पूछता है, तो अंतर में क्या करना होता है, बॉक्स बनाने होते हैं, ठीक है? और जब भी क्या होता है टिप्पणी लिखने की जाती है, तो टिप्पणी में क्या है पैराग्राफ टाइप में लिखने, समझ रहे हो? जब भी अंतर आएगा तो दो बॉक्स बनाने, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, और उसमें अंतर दिखाना है, ठीक है? तो अब जैसे शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष है, तो पहली बात शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष क्या है, आयनिक ठोसों में पाए जाने वाले दोष है, ठीक है? तो जैसे उत्तर लिखना है, उत्तर लिखना है तो क्या डालना है, क्रम संख्या, उसके बाद क्या डालना है, शॉर्ट की दोष, शॉर्ट की दोष के बाद फ्रैंकल दोष, इतना काम कर रहा हूं मैं पहले, ठीक है? तो अब जैसे पहला पॉइंट है इसमें शॉर्ट की दोष में, तो शॉर्ट की दोष क्या होता है, एक प्रकार का रिक्ति का दोष होता है, ठीक है? क्या होता है, रिक्ति का दोष, जब तुम्हारा अणु आयन या फिर परमाणु, जिसको तुम क्या बोलते हो, अवयवी कण बोलते हो, वो अपना स्थान छोड़कर के कहां चला जाता है, क्रिस्टल धारक से बाहर चला जाता है। कहने का मतलब जैसे सपोज दैट यहां पर यह, ठीक है, इस तरीके से ये क्या है तुम्हारा क्रिस्टल झालक, क्रिस्टल लैटाइस बोलते हैं इसको, इस तरीके से। अब जो ये मैंने गोले दिखा रखे हैं, ये क्या है तुम्हारे अवयवी कण है, जिनसे मिलकर के क्या बन रहा है तुम्हारा क्रिस्टल झालक बन रहा है। अगर यहां से एक भी अवयवी कण क्या है अपने क्रिस्टल झालक को छोड़ के कहां चला जाएगा, बाहर चला जाता है। तो जब बाहर चला जाएगा तो यहां पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, रिक्तिका उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि खाली जगह उत्पन्न हो जाएगी, जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है, रिक्तिका दोष बोला जाता है। तो यह दोष पहले क्या है, आयनिक ठोसों में पाया जाने वाला दोष है, फ्रैंकल दोष भी क्या है, आयनिक ठोसों में पाया जाने वाला दोष है। यह दोष शॉर्टकी दोष उत्पन्न कब होता है, जब तुम्हारा क्या है परमाणु अणु या फिर आयन कहां चला जाता है, अपना जो क्रिस्टल जालक का स्थान है उसको छोड़ करके बाहर चला जाता है, कहां से, क्रिस्टल जालक से, ठीक है? तो क्रिस्टल जालक से क्या जाएगा, तो इसमें जो पहला पॉइंट है, यह दोष तब उत्पन्न होता है जब अवयवी कण, अवयवी कण अपने स्थान को छोड़कर
क्रिस्टल चालक से क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, कहां चला जाता है? क्रिस्टल जालक से ही बाहर। कोई अगर यहां से परमाणु या अणु या आयन कहां चला जाए? इस क्रिस्टल जालक को जो बाउंड्री यहां पर बना रखी है इसको छोड़ करके बाहर चला जाए तो उसको क्या बोला जाएगा? शॉटकी दोष। अब जैसे फ्रेंकल दोष है तो ये एक प्रकार का अंतराकाशीय दोष है। ठीक है, जो तुम्हारा शॉटकी दोष है वो क्या है? एक प्रकार का रिक्ति का दोष। लेकिन जो तुम्हारा फ्रेंकल दोष है वो एक प्रकार का अंतराकाशीय दोष है। कैसा दोष है? अंतराकाशीय दोष। तो अंतराकाशीय दोष का मतलब क्या है? इस तरीके से जैसे ये क्या है? अवयवी कण है। तो बीच में जो तुम्हें परमाणु अणु या फिर आयन के बीच का जो स्पेस दिख रहा है, देख रहा है, खाली जगह दिख रही है, तो वहां पर उस स्थान को क्या बोला जाता है? अंतराकाशीय स्थान। ठीक है, अंतराकाशीय स्थल। तो कहने का मतलब क्या है? कोई परमाणु अणु या फिर आयन तुम्हारा क्या अपने वास्तविक स्थान से कहां पर चला जाए? ये जो बीच में यहां पर क्या खाली जगह है, जो क्रिस्टल जालक में क्या परमाणु या फिर अणु या फिर आयनों के मध्य का जो गैप है वहां पर, यदि जैसे यहां पर ये गैप है या फिर यदि यहां पर ये गैप है तो यहां पर चला जाएगा। कहां चला जाए? यहां। तो यहां पर जो दोष उत्पन्न होगा उसको क्या बोला जाएगा? फ्रेंकल दोष। जहां से जाएगा अपना जो वास्तविक स्थान है वहां पर क्या उत्पन्न कर देगा? वो वृत्ति का खाली कर देगा उस जगह को। जो अपना वास्तविक स्थान है उसको क्या कर देता है? वो खाली कर देता है, यानी कि वहां पर क्या बना देता है? वृत्ति का। लेकिन जहां पर वो जा रहा है कौन? परमाणु या फिर अणु या फिर आयन, वहां पर क्या कर देगा? अंतराकाशीय दोष उत्पन्न कर देगा। जिस जगह से गया उसको क्या बोला जाएगा? वहां पर रिक्ति का दोष उत्पन्न किया। लेकिन जहां पर गया वहां पर क्या उत्पन्न कर दिया? अंतराकाशीय दोष। ठीक है, इसमें क्या लिखना है? यह दोष तब उत्पन्न होता है जब अवयवी कण अपने वास्तविक स्थान से अंतराकाशीय स्थान पर चले जाते हैं। तो वास्तविक स्थान में कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा? रिक्ति का दोष। और जो तुम्हारा अंतराकाशीय स्थल है वहां पर कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा? अंतराकाशीय दोष। ठीक है, इतना है। दूसरा अंतर क्या आता है? घनत्व आता है। ठीक है, घनत्व के आधार पर जैसे यहां पर देखो जो तुम्हारा शॉटकी दोष है, कौन सा है? शॉटकी दोष। तो इसमें क्या होगा? घनत्व परिवर्तित होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो अब खुद देखो कोई चीज बाहर जा रही है, कहने को मतलब अगर तुम इस कमरे को क्या मान रहे हो? क्रिस्टल धारक मान रहे हो। तो अवयवी कण क्या होगा? जो हम सब है यहां पर, ठीक है, जो तुम लोग। तो यहां पर अगर एक भी बच्चा इस कमरे से बाहर जाता है तो इसके द्रव्यमान में क्या आएगी? कमी आएगी। अगर द्रव्यमान कम होगा तो घनत्व भी क्या होगा? कम होगा। कहने का मतलब जब अवयवी कण क्या कर रहा है? अपने क्रिस्टल जालक को छोड़कर के बाहर जा रहा है तो वहां पर क्या होगा? अवयवी कण जा रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ द्रव्यमान क्या है? जा रहा है बाहर। तो इसका मतलब घनत्व क्या होता है? घनत्व प्रभावित होता है। और प्रभावित किस तरीके से होता है? घनत्व में क्या आती है? कमी। घनत्व में कमी आती है। दूसरा क्या है तुम्हारा? जो फ्रेंकल दोष है। ठीक है,
तो फ्रेंकल दोष में क्या है तुम्हारा, घनत्व चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब जैसे ये मैंने इस कमरे को क्या माना, क्रिस्टल जारक माना, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, एक बच्चे को जो है उसकी जगह से उठा करके किसी खाली जगह में बिठा दिया, लेकिन इसी कमरे में, तो क्या वहां पर जो है द्रव्यमान हुआ कुछ चेंज? नहीं हुआ। द्रव्यमान कब चेंज होता, जब मैं इस कमरे से बाहर भेजता, लेकिन मैंने क्या किया, बच्चे को कहां बिठाया, यहां से किसी दूसरे खाली जगह पे। कहने का मतलब वो द्रव्यमान जो गया है वो इसी कमरे के अंदर है। तो यहां पर भी वही कहानी हो रही है। यहां पर क्या हो रहा है, अवयवीकरण अपने वास्तविक स्थान को छोड़ के कहां जा रहा है, जो तुम्हारा क्या वहां पर अंतराकाशी स्थान है, तो उस जगह पे जा रहा है। तो कहने का मतलब द्रव्यमान में कमी कब आती, जब यहां से क्या ये बाहर चला जाता है, लेकिन ये कहां गया है, इसी क्रिस्टल जालक में गया है। तो कहने का मतलब फ्रेंकल दोष में क्या होता है, घनत्व चेंज नहीं होता है, घनत्व अप्रभावित रहता है, यानी कि घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हो ठीक है। अब जैसे दो नंबर में आते तो इतना ही लिखना है, ठीक है, कहानी नहीं लिखनी, इतना ही छोटा सा डायग्राम बना दिया, यहां पर समझा दिया, है ना, इसी तरीके से डायग्राम बना दिया, समझा दिया, फालतू कहानी नहीं लिखनी है, क्योंकि तुम्हें पता है अंतर दिखाना है। दो नंबर में आएगा तो दो अंतर दे दिया और एक क्या दे दिया, उदाहरण दे दिया, ठीक है। अब जैसे उदाहरण है, शॉटकी दोष के उदाहरण है तुम्हें पता, उदाहरण लिखने इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, उदाहरण। तो उदाहरण में क्या क्या आ जाएगा, उदाहरण में जैसे क्या हो गया, NaCl और KCl, ठीक है। इसमें उदाहरण में क्या हो गया, AgBr और AgCl। तो एक पॉइंट यहां पर नोट करना कि जो तुम्हारा AgBr होता है एक ऐसा आयनिक यौगिक है जिसमें क्या पाया जाता है, फ्रेंकल दोष भी पाया जाता है और शॉटकी दोष। तो AgBr में क्या क्या पाया जाता है, AgBr में सिल्वर ब्रोमाइड होते हैं, फ्रेंकल तथा शॉटकी दोनों दोष पाए जाते हैं, ठीक है। बाई चांस कुछ ध्यान नहीं रहता है कि शॉटकी दोष का उदाहरण फ्रेंकल दोष का उदाहरण, पहली चीज क्या है, शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष क्या है, तुम्हारे आयनिक दोषों में पाए जाने वाले दोष है, आयनिक यौगिकों में। तो जैसे एक तो कॉमन आ गया कि AgBr तुम दोनों में दिखा सकते हो, फ्रेंकल में भी दिखा सकते हो और शॉटकी में भी दिखा सकते हो। तो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, इस तरीके से दो नंबर में आता है तब इतना करना, ठीक है।